हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट है और वो इसलिए कि मेरी यार तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ, गुड हूँ और मैं आया हूँ अपने अभी शॉप पे। और आज मैंने सोचा कि आपको देता हूँ बिज़नेस का टूर कि मैं क्या बिज़नेस करता हूँ और हमारे पास क्या क्या है। तो आज आपने व्लॉग में देखना है मेरे बिज़नेस का टूर। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, कमेंट किया करो, मुझे बताया करो कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो देखते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ये मेरी शॉप का फ्रंट एलिवेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास डायमंड पेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रोलैक पेंट है। और बाहर से आपको दिखा दूँ तो ये गुजरांवाला डिस्पोजल चौक है और ये बिलबोर्ड पड़े हुए हैं। और ये गाइज हैं लेडर, सीढ़ियाँ, घोड़ियाँ और फोल्डिंग जो है ये हमारे पास मौजूद है। हम देते हैं इसको रेंट पे, ठीक है। और रेंट पे देने के बाद अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या है। ये हमारे पास ऑयल ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, ऑल कलर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास टिंटर्स हैं कलर्स चेंज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास इनेमल है जर्मन गोल्ड का। और ये मैंने एक छोटा सा डिस्प्ले लगाया हुआ है जिसमें ब्रशेस वगैरह हैं, स्क्रैपर हैं और उसके बाद ये पेंटिंग ब्रश हैं और उसके ऊपर स्टेंसिल्स पेपर हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो भी चीज़ होगी गाइस वो होलसेल में आपको मिलेगी। और चाहे आप बल्क क्वांटिटी में लें चाहे स्मॉल क्वांटिटी में लें, वो मैं होलसेल सप्लाई करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये होते हैं, इनको सियाने बोलते हैं, थ्री कलर्स होते हैं इनमें सियाने के ना। और उसके बाद डायमंड की मेरे पास वालपट्टी की सीरीज़ पड़ी हुई है, चार इसकी सीरीज़ हैं, वो वालपट्टी की पड़ी हैं। उसके बाद प्राइमर है, ठीक है। उसके बाद ये इमल्शन होता है। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये ट्रोलैक है और ट्रोलैक में मेरे पास वेदर शीट पड़ी हुई है और सिल्क इमल्शन पड़ा हुआ है। और ये जो ट्रोलैक है ये भी मैं होलसेल में सप्लाई करता हूँ और परचून रेट पर भी सप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। इसकी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके बाद अगर आप देखें तो मेरे पास ये बकेट पड़ी हुई हैं जो डायमंड में है, नेशनल में है और ट्रोलैक में है, राइट में है, नेशनल में है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें मेरे पास डायमंड में इनेमल है, ठीक है। और ये भी होलसेल में सप्लाई करता हूँ मैं इनेमल जो है डायमंड का। गाइस, डायमंड में मेरे पास ये आपको ऑल जो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं वो डायमंड की आपको मुझसे जो है वो होलसेल में मिल जाएंगी। और अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मैं एड्रेस जो है शॉप का वो नीचे मेंशन कर दूंगा, आप ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं और ख़ुद भी आके परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ गाइस कि हमारे पास ये जो इसकी स्मॉल क्वान्टिटी होती है उसमें ये सिल्वर होता है। उसके बाद ये स्टील पुटीन होती है, वार्निश होती है, ये भी वार्निश पड़ी हुई है। और उसके बाद ये इनेमल की छोटी डिब्बियाँ मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो ये ओवरऑल डायमंड का टोटल इमल्शन पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। इसमें ऑल शेड्स जो है ना वो अवेलेबल हैं, शेड्स मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास रोलर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सारी क्वालिटी के रोलर्स हैं। उसके बाद ये रोलर पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो मेरे पास ये क्वार्टर में क्वालिटी पड़ी हुई है सारी, ठीक है। ये डायमंड के क्वार्टर्स हैं इनेमल के, इसमें आपको टोटल शेड्स जो है ना वो अवेलेबल हो जाएंगी। आपको कोई भी शेड चाहिए हो मैं आपको शेड्स दिखाता हूँ, कोई भी शेड चाहिए हो आपको वो मुझसे आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे कहीं पे शॉर्ट भी हो तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। और अभी का मसला ये हुआ है कि इम्पोर्ट आपको पता है पाकिस्तान की बंद थी और इम्पोर्ट बंद होने की वजह से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है ना वो कम में पड़ा हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक जो है इम्पोर्ट जो है दोबारा रीओपन हो गई है, तो हमने ऑर्डर्स लगवाए हुए हैं। जब ही रीओपन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारे ऑर्डर्स आ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर एक दफ़ा आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। उसके बाद ये देखिए हमारे पास सैंड पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये मेटल के लिए हैं। ये जो सैंड पेपर हैं ये मेटल के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो सैंड पेपर हैं सारे ये यूज़ होते हैं वॉल के लिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाएँ तो मैं होलसेल सप्लाई करता हूँ ब्रश। ये देखिए आपके सामने कितनी क्वान्टिटी में ब्रश पड़े हुए हैं, 2 इंचज़ में, 3, 4, 5। उसके बाद वुड में पड़े हुए हैं, प्लास्टिक में पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वालिटीज़ पड़ी हुई हैं मेरे पास पेंट्स की, ठीक है। राइट पेंट पड़ा हुआ है, ट्रोलैक पड़ा हुआ है, डायमंड पड़ा हुआ है। इसमें ये है कि इसमें वार्निशेस वगैरह हैं, थिनर वगैरह है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो वुड सीलर, लैकर, ठीक है, और स्टैंड वगैरह, और जो स्टिक्स होती हैं रूलर स्टिक्स और रूलर और स्टिक वो जो वॉल पे करते हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि
या मैं मेरे पास लोकल सामान भी पड़ा हुआ है। लोकल सामान से मुराद है ये जो बाल्टियाँ होती हैं ना, ये लोकल में होती हैं, जैसे कि 500, 700, 600 की जो ना बाल्टी ये आ जाती है। उसके बाद ये देखिए गाइस, मेरे पास पड़ा हुआ है एक्रेलिक। एक्रेलिक भी मेरे पास जो है ना वो जोतन का है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है और ये पेंट में यूज़ होता है। जोतन के बाद मेरे पास यूनाइटेड पड़ा हुआ है, डव पड़ा हुआ है, उसके बाद ये गैलेक्सी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल, ठीक है। उसके बाद अगर आप गिल्लू क्वांटिटी में आ जाते हैं तो मेरे पास ब्लैक कैट का गिल्लू पड़ा हुआ है और यूनाइटेड का गिल्लू पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसका तो आपको पता ही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मतलब कि इसको कहते हैं जो पुटीन होती है ना, पुटीन में यूज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई सुराख वगैरह या कोई चीज़ इस तरह की होती है जिसको क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी पड़ा हुआ है मेरे पास बल्क में। और ये ट्रोला की दोबारा उधर से पड़ी हुई है, शेड कार्ड्स वगैरह काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो और कोई शेड मिस हो रहा हो, मिल ना रहा हो, तो भाईजान से रब्ता ज़रूर करना है आपने, आपको होलसेल प्राइस में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और गैस जैसा कि आपको पता है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको वीडियो में पता होगा कि मैंने एक जो है ना वॉल पट्टी की पार्टी करवाई थी, HD वॉल पट्टी की, आपने वीडियो में देखा होगा ये वाली जो HD वॉल पट्टी थी, इसके मैंने ना एक पार्टी करवाई थी और इसका जो हमने रिज़ल्ट देखा है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। लोग इसको यूज़ करवा रहे हैं अपने घरों में, ठीक है, ना ये उतरती है, ना इसकी सीपेज वगैरह जो है वो भी कंट्रोल करती है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है। और उसके बाद अगर आज गाइस मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास शेड्स पड़े हुए हैं सारे, ठीक है। इनमें अगर ये डायमंड का है तो ये है हाई ग्लॉस इनेमल, ठीक है। इसमें ये आपको ये सारी शेड्स जो है ना, इसमें मेटेलिक है, इनेमल है, इसमें आपको गैलन्स में, क्वार्टर्स में, डिब्बी में ना सारे कलर मुझसे आपको होलसेल में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो ये है डायमंड का सुपर इमल्शन। इसमें देखें गाइस कितने ज़्यादा शेड्स हैं, ये आपको सारे जो है मुझसे अवेलेबल हैं इधर मेरी शॉप पे। उसके बाद अगर आप देखें तो ये ट्रोलैक है, ये है वेदर शीट, ठीक है। वेदर शीट की आपको ये देखिए सारे कलर्स जो हैं ये मौजूद हैं, आउटसाइड आपने घरों को जो पेंट करना होता है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये राइट है, राइट जो बेसिकली है वो ट्रोलैक का एक ब्रांड है और उसके ये सारे शेड्स हैं इमल्शन में, तो ये सारे आपको अवेलेबल होंगे जंजुआ पेंट हाउस पे, ठीक है। और गाइस जंजुआ पेंट हाउस पे आपको हर चीज़ जो है वो होलसेल में मिलेगी, आप जब मर्ज़ी आएँ विज़िट करें, कुछ चाहिए हो तो आप मुझसे बाय करें। और गाइस ये था आज का मेरा एक सेटअप टूर, ठीक है, जो मैं बिज़नेस करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ जो गाइस इसको ना शेयर कर दिया करो। और अभी आपकी नीड की ज़रूरत है सब्सक्राइब की, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है गाइस इसको सब्सक्राइब करो, ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।